हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन भल्ला के सनसेंस स्टडी। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 25 करवाने जा रहा हूँ। ये साइंस की क्लास 6 की रहेगी और 1 अक्टूबर 2021 की है। देखिए, आप देख सकते हैं मैंने आंसर करे हुए हैं, लेकिन आपको एक बार मैं पीडीएफ भी दिखा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो कि आपको क्या क्या करना है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये हमारी जो है वर्कशीट है। ठीक है, ये मैं आपको क्वेश्चन के साथ दिखा रहा हूँ। ठीक है, आपको टोटल जो है 2 क्वेश्चन करने हैं। अब सीधा आंसर की तरफ ले चलता हूँ और उसी में आपको बता दूंगा कि आप कॉपी पर क्या नोट करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है, गिवन बिलो आर सम प्लांट्स वी यूज एज फूड। ये कह रहे हैं यहाँ पर आपको कुछ प्लांट दे रखे हैं, ठीक है, जिसको हम फूड के रूप में यूज़ करते हैं, खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये कह रहे हैं प्लीज़ ऐड फ्यू मोर टू द लिस्ट, इसमें कुछ और ऐड कीजिए। ठीक है, आगे कह रहा है ग्रुप देम अकॉर्डिंग टू द पार्ट्स वी कंज्यूम। ये कह रहा है फिर इनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दीजिए, जैसे ऐसे सीड्स, तो इसमें सीड्स कौन कौन से हैं और इसमें से जो हैं उसके बावजूद भी आपको, मतलब इसके अलावा भी आपको और चीज़ें ऐड करनी है। ठीक है, जैसे सीड्स में व्हीट है, ग्राउंड नट है, मिलेट है, ऐसे फ्रूट में, फ्रूट में यहाँ पर कौन कौन है। ठीक है, और अगर जो नहीं भी है ना, कोई बात नहीं। ठीक है, आप कहेंगे कि आपने सिर्फ ब्रिंजल लिखा है, पम्पकिन लिखा है, कैबेज लिखा है, ऐसे आप टोमेटो भी लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो टोमेटो आप लिख लेना TOMATO। ठीक है, टोमेटो भी लिखना है इसमें। ठीक है, आपको ये फ्रूट सर आप कैसे कह रहे हो, देखो साइंस की लैंग्वेज में इनको फ्रूट ही माना जाता है। सुन रही है ना मेरी बात, आगे देखिए। उसके बाद है यहाँ से एल फॉर लीव्स, मतलब पत्तियाँ। तो जो स्पिंच है, फेनुग्रीक है, कोरिएंडर है, ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं, लीफ में आ जाते हैं। ऐसे स्टेम जो है ना, स्टेम पोटैटो, स्वीट पोटैटो, शुगर केन, ठीक है, ये सब किस में गिने जाते हैं, स्टेम में। आप यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करना चाहते, शुगर केन लिख सकते हैं, मतलब इतना भी लिख सकते हैं। अब सवाल है कि आप कॉपी पर क्या करेंगे, कैसे नोट करेंगे, तो आप एक क्वेश्चन नोट करें। ठीक है, सीड्स लिखें, ये लिख दें, लीव्स लिखें, ये लिख दें, फ्रूट्स लिखें, ये लिख दें। ठीक है, ऐसे स्टेम लिखें, ये लिख दें। नहीं तो अगर आप ये पूरा का पूरा डिज़ाइन बना सकते हैं तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है, और ये बनाना ज़रूरी नहीं है। समझ में आ गया आपको पहला क्वेश्चन। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कौन सा है। दूसरा क्वेश्चन है कि आपको पिक्चर दे रखी है ना ये, ठीक है, एनलिस्ट इट्स मेन इन्ग्रीडियंट्स एंड देयर सोर्सेस। ये कह रहा है इसमें से ना आप पता लगाइए कि इसके कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं, मतलब इसमें कौन कौन सी सामग्री यूज़ की गई है, और उसके बाद ये बताइए कि ये सारी की सारी सामग्री किससे मिली है। आप जब अपनी साइंस की बुक ओपन करेंगे ना तो आप ऐसे क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, आपको सबकी अलग अलग नहीं बतानी किससे मिलनी है, आपको ये बताना है कि ये सारी की सारी सामग्री हमें किससे मिली है। तो ये मिली है प्लांट्स से, और ये जो है किससे मिली है, ये भी प्लांट्स से मिली है। ठीक है, तो मैं पढ़ देता हूँ कौन कौन सी सामग्री है इसमें, कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं, अनियन, चपाती, ऑयल, स्पाइसेस, टोमेटो। ओके, ऐसे ही यहाँ पे साबूदाना, ऑयल, पोटैटो, कोरिएंडर, स्पाइसेस, ठीक है, ये भी क्या प्लांट्स। और अब आप इसे कैसे कॉपी पर करेंगे, तो देखिए यहाँ लिख दीजिए फूड आइटम्स। ठीक है, यहाँ पर पिक्चर बनाना चाहे बना सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप जो है फिर क्या लिखेंगे, पिक्चर तो फिर यहाँ पे आपको लगानी बनती है भाई। ठीक है, पिक्चर बना देना जैसी मर्जी, थोड़ी बहुत जो भी बने, फिर इंग्रेडिएंट लिख देना ये सब, फिर इसके ये सब, ठीक है, इस तरीके से लाइन बना के कर सकते हैं आप। ओके, ऐसे सोर्सेस में प्लांट्स आ जाएगा, इसमें भी प्लांट्स आ जाएगा। तो समझ में आ गया ना आपको वर्कशीट कैसे करनी है, आप आराम से कर सकते हैं। और अगर कोई भी डाउट हो ना, ठीक है, तो आप मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, पूरी वीडियो कंप्लीट हो गई, 2 ही क्वेश्चन थे, छोटी थी ना। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और अपना पूरा पूरा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।